Hello students, good morning to all of you. Today I am discussing some more point of HTML. So let's start. आज हम बात करेंगे unordered list और ordered list की और इसके साथ ही कुछ और कमांड की. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ordered and unordered list के बारे में. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है थ्री पॉइंट्स हैं, बुलेट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट. तीन तरह की लिस्टिंग होती है. जब हम कोई भी कंटेंट पेज पर लिखते हैं तो उसमें हम जो स्टार्टिंग में पॉइंट लगाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ए बी सी डी, ये अगर हमारा फिक्स्ड मतलब ये है ए बी सी डी की फॉर्म में या 1, 2, 3, 4 की फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं नंबर्ड या ऑर्डर्ड लिस्ट. लेकिन अगर यही किसी सिंबल से स्टार्ट हो, जैसे स्टार से स्टार्ट हो या फिर हैश साइन से स्टार्ट हो या कुछ और सिंबल से स्टार्ट हो, तो उसे हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट. अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट मेक्स मार्क्ड विथ बुलेट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट. दिस लिस्ट स्टार्ट विथ यू एल. तो ये जो टैग होता है उसे हम कहते हैं यू एल, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट का शॉर्ट. ऐसे ही एल आई टैग जो है वो लिस्ट स्टार्ट की पोजिशन को दिखाता है और फिर आगे के पॉइंट्स आएंगे. तो हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे हम HTML से, फिर बॉडी पार्ट आएगा और फिर आगे हेडिंग के लिए H1, H2, H3. तो यहाँ पर H1 की फॉर्म में हेडिंग है यूजफुल एनिमल्स प्रोडक्ट. तो यहाँ पर ये देखिए आप हेडिंग का पोर्शन हाईलाइट होकर कैपिटल लेटर्स में, बड़े लेटर्स में और थोड़ा सा बड़ी हेडिंग की फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है. फिर यहाँ पर जितनी लिस्ट हमें बनानी है 1, 2, 3, 4, 5 की, तो हमने लिख ली. और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है क्योंकि यूएल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसलिए यहाँ बुलेट बाय डिफॉल्ट इसमें बुलेट आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट में, तो बुलेट से स्टार्ट हो रही है. और ये फ्लैश यूएल करके इसे एंड किया जा रहा है एंड टैग लगाकर, और ये लिस्ट तैयार हो गई. 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर और वो प्रोडक्ट हैं जो एनिमल्स हमें देते हैं. आगे चलते हैं ऑर्डर लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट इसी तरीके से यू एल की जगह ओ एल से स्टार्ट होती है और ऑर्डर लिस्ट एल आई यहाँ पर भी यूज किया जाता है और सेम सिमिलर चीज़ें हैं. HTML बॉडी स्टार्ट होगा, फिर हेडिंग आप डालेंगे कि किस किस चीज़ के लिए आप इसे यूज़ करने वाले हैं. तो पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पर हेडिंग है जिसकी लिस्टिंग हम करने वाले हैं. तो उसमें दो पार्ट हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो ओएल के बाद में एलआई करके हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लिखा है. और ये अपने आप देखिए बाय डिफॉल्ट इसका नंबर होता है, मतलब अगर आप इसमें कोई लिस्टिंग नहीं ऑप्शंस नहीं लिखते तो ये 1, 2, 3, 4 की फॉर्म में आता है. ये ऑर्डर लिस्ट हो गया. अब चलते हैं डेफिनेशन लिस्ट पर. डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ दोज आइटम्स इंडेंट इन अ नेक्स्ट टैब पोजीशन. नेक्स्ट टैब पोजीशन का मतलब है कि अगर आप ये एक लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, आप लाइन यहीं से स्टार्ट करें या फिर उसके सब पॉइंट आए, मतलब अगर इस ये एक हेडिंग बन जाए सेकेंड वाली और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हो, तो ये थोड़ा सा स्पेस छोड़कर पहले सेकेंड वाली लाइन से थोड़ा सा स्पेस छोड़कर यहाँ से स्टार्टिंग करें, तो इसे हम कहते हैं टैब. इतनी स्पेस शिफ्ट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम कहेंगे टैब पोजीशन, मतलब थोड़ा सा आगे खिसका लेना स्पेसेस के अकॉर्डिंग. या इसे इंडेंट भी कहते हैं, मतलब जितनी टैब पोजीशन आगे पहुँचती है वही हम इंडेंट के तौर पे यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ हेडिंग्स जो हैं उसके बाद में इंडेंट यूज़ किया जा रहा है, इसे हम डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं. और ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये chapter 1, chapter 2 है जो unit 1 में ये स्पेस के साथ में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये यही इंडेंट कहलाएगा. और ये इंडेंट लिस्ट के तौर पे फिर आता है लास्ट में इंसर्टिंग इमेजेस यूजिंग img टैग. तो इमेज मतलब जैसे लोगो लगाना या दूसरे पिक्चर्स को लगाना जिससे हम पहचान सकें या उस वेब पेज में हमें हेल्प हो सके कि
बैकग्राउंड में आप कभी कभी इमेज लगाते हैं और दूसरी चीज़ें आप वेब पेजेस पे देखते होंगे, तो ये इमेज कहाँ से आते हैं और कैसे लगाते हैं इनको, उसके बारे में यहाँ पे है। टू इंसर्ट एन इमेज इन योर वेब पेज यू हैव टू स्पेसिफाई द IMG टैग। IMG टैग लगाना पड़ता है, जैसे आपने OL टैग लगाया, UL टैग लगाया, ऐसे ही अगर आपको एक कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो IMG टैग लगाएंगे। टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन द वेब पेज यू नीड टू यूज SRC एट्रीब्यूट। ये SRC एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, सोर्स एट्रीब्यूट होता है, कहाँ पे फाइल है और वो फाइल कैसे यहाँ तक आएगी। तो ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा IMG और SRC, और उसके बाद में एड्रेस लिखा जाता है, ये डेफिनेशन है, सिंटेक्स है। अब इसको कैसे यूज़ किया जाएगा उसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। एक ये एक लोगो है विद्या का, तो विद्या के ऊपर आपको लोगो बना हुआ दिख रहा होगा, ये इमेज है और विद्या के साथ में, तो ये पूरी इमेज है। और कैसे लिखी जा रही है, देखिए यहाँ IMG SRC लिखा हुआ है, और ये जो पोर्शन है इसे हम एड्रेस कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये नीचे भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, डबल कोट के अंदर वाला पोर्शन। डी डायरेक्टरी है, फिर उसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है प्राइमरी 2017, फिर उसके अंदर एक दूसरी फोल्डर है, दूसरा फोल्डर जिसका नाम है लॉगिन कंप्यूटर, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है लोगो, फिर वहाँ पर एक फाइल है जिसका नाम है logovidya.jpg। ये वहाँ से फाइल आ रही है और ये आपके वेब पेज पर इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। आप अपनी फाइल्स वहाँ पर लगा सकते हैं, अपनी डायरेक्टरीज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये उसी फाइल के बारे में बात कर रहा है जो अभी आपने पीछे देखी, और इसके थ्रू ये हाईलाइट करके उस चीज़ को यूज कर रहा है। हाँ, इसकी विड्थ, और अगर आप चाहते हैं कि उनकी साइज और विड्थ और एट्रीब्यूट्स को चेंज किया जा सके तो उसका नाम भी चेंज किया जा सके, अल्टरनेट नेम यूज किया जाए, तो ये तीनों काम आप इसी पोर्शन के अंदर कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक का पोर्शन आपने पहले देखा ये फर्स्ट पॉइंट पर, और आगे का पोर्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें हाइट को चेंज किया जा रहा है, विड्थ को चेंज किया जा रहा है और उसके नेम को चेंज किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप को प्रैक्टिस करनी है जिनके पास सिस्टम्स हैं वहाँ पर, और जिनके पास सिस्टम्स नहीं हैं वो इनको एक दो बार इस वीडियोस को देखें ताकि उनकी समझ में आए। और जब भी हमारा लैब ओपन होगा तो हम उस जगह पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।